मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. दिस इज आवर चैप्टर फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एनालिटिकल इंजन मार्क 1, एनियाक, एडवैक, एडजैक और यूनिवैक 1 के बारे में पढ़ा था. नाउ टुडे वी टॉक अबाउट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं? जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि 1940 से 1956 था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 टू 1963, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 टू 1971, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1972 टू प्रेजेंट एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो यूज़ करता था टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब की. हमारा जो वैक्यूम ट्यूब था वो यूज़ होता था सर्किट के लिए और मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ करते थे मेमोरी के लिए. वैक्यूम ट्यूब जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा बड़े रेंज में यूज़ होता था एप्लीकेशंस के लिए, इंक्लूडिंग एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स. और जो हमारा ये जनरेट करता था बहुत ज़्यादा हीट को और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था. जनरेशन कंप्यूटर जो था वो सॉल्व करता था ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, मतलब एक समय पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता था और वो जो साइज में बहुत ही बड़ा होता था. और उसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि यूनिवैक, एनियाक, मार्क 1, एडजैक एंड एडवैक. बट क्या था, फर्स्ट जनरेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जैसे कि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता था तो क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट होती थी इंस्टॉलेशन के लिए. और ये क्या करता था, जनरेट करता था लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसके लिए क्या होता था, हमें एयर कंडीशंस की ज़रूरत होती थी. और ये जो कंप्यूटर था हमारा फर्स्ट जनरेशन का, ये रिलायबल नहीं था बहुत ज़्यादा. और ये जो प्रोग्राम्ड होता था, ये मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम होता था इसका सिर्फ, और सिर्फ वही इंसान ऑपरेट कर सकता था इस कंप्यूटर को जो मशीन लैंग्वेज जानता हो. और ये सिर्फ एक समय पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज था. और क्या था, इसका जो प्राइस था बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और ये क्या था, बहुत ही नॉन पोर्टेबल था, इसलिए इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, जिसके लिए क्या हुआ, हमें फिर सेकेंड जनरेशन की ओर जाना पड़ा. सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो यूज़ करता था टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर की. वो ट्रांजिस्टर को यूज़ करता था इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. जो ट्रांजिस्टर होते थे वो सेमीकंडक्टर डिवाइस था और ये ना स्मॉल भी होता था, साइज में छोटा होता था और फास्टर होता था. और इसकी जो एनर्जी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी और लेस एक्सपेंसिव होता था वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में. प्रोसेस्ड करता था इंस्ट्रक्शंस को फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, मतलब ये पहले जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा तेज इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता था. इसके जो एग्जांपल हैं वो है IBM 7094 सीरीज, IBM 1400 सीरीज, हनीवेल 400 एंड CDC 164. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करता था और ये पंच कार्ड इनपुट के लिए और प्रिंट आउट्स आउटपुट के लिए भी यूज़ करता था. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था हमारा वो टेक्नोलॉजी यूज़ करता था इंटीग्रेटेड सर्किट्स. और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता था ये कंसिस्ट करता था एंटायर सर्किट को एक सिंगल चिप पर. जो टिनी आईसी चिप्स थी ये कंटेन कर सकती थी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मिनी अल्ट्राइज ट्रांजिस्टर्स को. ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था हमारा वो कंसिस्ट करता था सेवरल चिप्स को इंटरकनेक्टेड ऑन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर ये सारे चिप्स क्या थे, इंटरकनेक्टेड होते थे. ये जो इनोवेशन होता जा रहा था कंप्यूटर का, वो साइज़ में क्या करता जा रहा था, कंप्यूटर को रिड्यूस करता जा रहा था. जैसे कि हमने पढ़ा था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इतना बड़ा था कि उसको पूरे एक रूम की ज़रूरत पड़ती थी. फिर सेकेंड जनरेशन क्या हुआ, उससे थोड़ा छोटा हुआ. और थर्ड जनरेशन हमारा क्या हुआ, वो और भी ज़्यादा साइज़ में रिड्यूस हो गया. वो इतना रिड्यूस हो गया कि उसे हम अपने घर पे लाके अपने घर पे यूज़ कर सकते थे उस कंप्यूटर को, वो इतना अफोर्डेबल था. ये जो हमारे ICs क्या हुए, जब हम ICs का यूज़ करने लगे थे अपनी टेक्नोलॉजी में, तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर को और फास्टर करता गया, एफिशिएंट करता गया और मोर रिलायबल बनाता गया. ये जो
जनरेशन था कंप्यूटर का, ये हमारा ऐसा पहला जनरेशन था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे थे अपने कंप्यूटर में। ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था हमारा, वो इंट्रोड्यूस किया था मॉनिटर्स और कीबोर्ड्स को एज अ सोर्स ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। मॉनिटर का हम यूज़ करते थे आउटपुट के लिए और कीबोर्ड का यूज़ करते थे इनपुट के लिए। और हमारे एग्जांपल हैं IBM 360, CDC एंड PDP। वो जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो होती थी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कंटेन कर सकता था थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, जो कि बिल्ट होती थी एक सिंगल चिप पर। जो माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड होता था कंप्यूटर में, उसको हम जानते थे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से, जिसको कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ये ग्रुप करता था उन सभी कंपोनेंट्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे अर्थमेटिक, लॉजिक और कंट्रोल फंक्शंस के लिए सिंगल चिप पर। इसने क्या किया था, कंप्यूटर्स को और ही स्मॉलर बना दिया था और पोर्टेबल कर दिया था, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जिसको जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स की वजह से डेवलपमेंट होने लगा था। 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, और 1984 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था मैकिंटॉश को। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था, उसके पास कैपेबिलिटी थी कि वो एक साथ ग्रुप कर सकता था नेटवर्क से। और जो माउस और GUI, जिसको कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, वो क्या था, ये अदर एडवांसमेंट था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। इसमें क्या होता था, इस कंप्यूटर्स में जो डिवाइसेस यूज़ होते थे वो होते थे माउस हो गया, कीबोर्ड, स्कैनर एज अ इनपुट डिवाइस, मॉनिटर एंड प्रिंटर्स यूज़ होते थे एज अ आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल क्या है, एप्पल टू ग्रे एंड IBM PC। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था वो यूज़ करता था टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसका एम था डेवलप करने के लिए इस कंप्यूटर को, ताकि वो डिस्प्ले कर सके इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर को। फिफ्थ जनरेशन में हमारे मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डेवलप्ड हो रहे थे विथ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैपेबिलिटीज़ के साथ, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, प्लेइंग गेम्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और टेकिंग डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। और जो रोबोट है वो हमारा फाइन एग्जांपल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का। दैट्स ऑल, रेस्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।